एक अच्छा हो इसके बारे में देखेंगे जो इंडियन है। ये गरुड़ा लिनक्स है और ये बहुत अच्छा है, ओएस इंडियन ओएस है। तो एक बार आप लोग ये ओएस गरुड़ा ओएस एक बार इंस्टॉल करके देखिए। तो सेम फीचर्स है और मोबाइल फ्रेंडली, मोबाइल के जैसा है। तो अभी एक ब्राउज़र ओपन करिए और वहाँ पर टाइप करिए गरुड़ा लिनक्स, GARUDALINUX। तो ये गरुड़ा लिनक्स को हम लोग अब बूटेबल बनाने वाले हैं पेन ड्राइव में। तो देखिए यहाँ पर गरुड़ा लिनक्स टाइप करने के बाद यहाँ पर हम लोगों को नीचे आ गया गरुड़ा लिनक्स HTTPS, जो है वो फाइल को आप लोग डाउनलोड करिए। गरुड़ा लिनक्स पे क्लिक करिए और देखिए हमारा गरुड़ा आ गया। ऊपर देखिए श्री बोल के है, ये इंडियन है इसलिए पूरा इंडियन ट्रेडिशन में है। तो यहाँ पर नीचे देखिए थोड़ा फीचर्स है, वो फीचर्स एक बार चेक कर लीजिए। और कैसे इंस्टॉल करना मैं पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस दिखा दूंगी। बट आप लोग जब भी कुछ डाउनलोड कर रहे एक बार आप लोग पूरा डिटेल्स चेक करिए, चेक करके करिए। यहाँ पर डाउनलोड है ना, क्लिक करिए डाउनलोड पे। और यहाँ पर देखिए मिनिमम रिक्वायरमेंट्स है, मिनिमम क्या रिक्वायरमेंट्स चाहिए ये डाउनलोड करने के लिए। 30 GB स्टोरेज स्पेस रहना और 4 GB रैम रहना, वीडियो कॉर्ड विथ OpenGL 3.3 और बेटर, 64 बिट सिस्टम रहना चाहिए। तो बेसिक रिक्वायरमेंट्स है। इतना कम रिक्वायरमेंट्स में एक OS इंस्टॉल हो रही, ये बहुत खुशी की बात है क्योंकि मैंने देखा पूरा फीचर्स है इसमें। तो यहाँ पर इंस्टॉलेशन प्रोसेस है, एक बार इंस्टॉलेशन प्रोसीजर पूरा देख लीजिए और पूरा प्रोसीजर पढ़ने के बाद आप लोग स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस करिए। यहाँ पर देखिए सेलेक्ट लैंग्वेज है और गरुड़ा लिनक्स बोल के है। तो नीचे देखिए पूरा डिटेल्स पूरा पढ़िए। गरुड़ा KDE है और DR460 NI साइज्ड है और गरुड़ा लिनक्स GNOME, ये हमारा OS है। तो GNOME इज़ मॉडर्न डेस्कटॉप एनवायरनमेंट विच इज़ बोथ क्लीन एंड ब्यूटिफुल, इट इज़ फोकस्ड ऑन ईजी ऑफ यूज़। तो यहाँ पर नीचे देखने के बाद, पूरा नीचे जाने के बाद डायरेक्ट क्लाउड फेयर R2 है, उस पर क्लिक करिए। डाउनलोड GNOME एडिशन, उस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक ISO फाइल आ जाएगी जो डेस्कटॉप में है, गरुड़ा GNOME लिनक्स। ये एक ISO फाइल है, इसको ही हम लोग बूटेबल करने वाले हैं। किसके साथ करने वाले हैं? और एक ब्राउज़र ओपन करिए या और एक टैब ओपन करिए। एक ब्राउज़र ओपन करें आप तो दूसरा टैब ओपन करके वहाँ पर RUFUS टाइप करिए, रुफुस। रुफुस टाइप करके यहाँ पर रुफुस क्रिएट बूटेबल USB ड्राइव द इजी वे है, उस पर क्लिक करिए। और रुफुस यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर डिटेल्स आप लोग देखना, लिंक्स है रुफुस 4.2exe है, रुफुस 4.2pexe है, रुफुस 4.2x86exe है, रुफुस 4.2arm64exe है। तो ये स्टैंडर्ड है, पोर्टेबल है, स्टैंडर्ड विंडो x86 है, स्टैंडर्ड विंडोज ARM64 है, 14 MB है, 14 MB, 14 MB, 4.6 MB। तो यहाँ पर आप लोग रुफुस 4.2EXE सेलेक्ट करिए, रुफुस 4.2EXE स्टैंडर्ड विंडोज 64 x64 है, 14 MB साइज है। वो सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं MD5 SHA-1 है और SHA-256 है, SHA-512 है। तो ये हैश वैल्यू है, जैसे कि हम लोगों को आधार कार्ड नंबर कैसे रहता, वैसे ही एक फाइल और फोल्डर को एक हैश वैल्यू रहेगी, हर एक फाइल को एक हैश वैल्यू रहेगी।
तो यहाँ पर मैं रूफ़ुस को डाउनलोड करी, डाउनलोड हो गई, ऑलमोस्ट कंप्लीट है रूफ़ुस 4.2 EXE। तो डाउनलोड हो गई, मैं अब डाउनलोड्स में जाके वो रूफ़ुस को मैं डेस्कटॉप पे लेकर आऊँगी। ये रूफ़ुस को अब हम लोग बूटेबल करना रहेगा। तो बहुत लेस टाइम लगेगी, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगी। बहुत सारे ओएस देखे हम लोग, बहुत टाइम लेगा। पर ये जो गरुड़ा लिनक्स ओएस है वो बहुत कम टाइम में, मेरा अंदाज़ा से 45 मिनट्स काफ़ी है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, डाउनलोड्स में रुफू से मैं बाहर लेकर आ गई डेस्कटॉप पे। तो ये रुफूस को अब हम लोग ओपन करके बूटेबल करेंगे। तो रुफूस जो हम लोगों को 4.2.exe दिख रहा, वहाँ पर डबल क्लिक करिए। तो अभी हमारा रुफूस का ओपन हो रही। यहाँ पर डू यू वॉन्ट टू अलाउ रुफूस टू चेक फॉर एप्लीकेशन अपडेट्स ऑनलाइन, नो करिए, क्योंकि ज़रूरत नहीं है, अपडेट्स को क्यों चेक करना है। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं ड्राइव प्रॉपर्टीज, ESD USB 16 GB है, तो मेरा पेन ड्राइव है वो। तो मैं डिस्क और ISO इमेज प्लीज सेलेक्ट, तो हम लोग यहाँ पर डिस्क और ISO इमेज सेलेक्ट करो बोल के आ गया। सेलेक्ट पे क्लिक करिए और डेस्कटॉप पे जाइए, वहाँ पर गरुड़ा जो अभी हम लोग ISO फाइल डाउनलोड करें वो फाइल को आप लोग सेलेक्ट करके ओपन करिए। इमेज यू हैव सेलेक्टेड इज एन ISO हाइब्रिड, तो हम लोगों को वही चाहिए, तो हम लोग वही सेलेक्ट करेंगे। ओके, तो अभी हमारा गरुड़ा GNOME लिनक्स आ गया। तो स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट, ओके। तो यहाँ पर देख सकते हैं राइटिंग इमेज थोड़ा विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स लगेगी, हो जाएगी। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगी इसको, तो ये कंप्लीट हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पर कंप्लीट हो गई, स्टार्ट, कैंसिल, क्लोज। तो अभी हमारा सिस्टम को हम लोग रिस्टार्ट करना रहेगा, तो मैं रिस्टार्ट करूंगी। अभी मेरा ऑप्शन अपडेट एंड रिस्टार्ट आ गई, तो थोड़ा टाइम लगेगी पर हो जाएगी। तो मैं अभी रिस्टार्ट कर रही, तो कंप्लीट हो गई, रिस्टार्ट कंप्लीट हो गई। यहाँ पर F1, F2, F9, F10, तो मैं बूट करना होगा इसलिए F9 को टाइप क्लिक करना होगा हम लोगों को। और यहाँ पर हम लोग देखेंगे, अभी देखिए प्रोसेस स्टार्ट होने वाली है। और यहाँ पर देखिए USB हार्ड ड्राइव, जो मेरा अभी पेन ड्राइव था, मैं पेन ड्राइव को ही बूटेबल कर रही ना, बूटेबल पेन ड्राइव ऑफ गरुड़ा, हाउ टू मेक बूटेबल पेन ड्राइव, मैं अभी चैप्टर था ना मेरा। तो वेलकम टू गरुड़ा, यहाँ पर बूट अलाउिंग प्रोप्रेटरी ड्राइव। तो अभी बूटिंग स्टार्ट हो गई। तो देखिए यहाँ पर बूटिंग स्टार्ट हो गई और फाइल्स पूरा बूट हो रही। तो विद इन सेकेंड्स ये भी फिनिश हो जाएगी।
अभी मैं ये मोबाइल एक हाथ से पकड़ के एक हाथ में मैं ये वर्क कर रही, इसलिए थोड़ा शेकिंग हो रही, तो प्लीज़ डोंट माइंड। तो मैं यहाँ पर दिखा रही इंस्टॉलेशन वाया MHWD, बी पेशेंट फॉर 43 सेकेंड्स, 44 सेकेंड्स, नो लिमिट, 46, 47, 48, 49। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बूटिंग कंप्लीट होने वाली है। अब मेरा गरुड़ा स्टार्ट हो जाएगी, मेरा गरुड़ा OS पे मैं वर्क स्टार्ट करूँगी मेरा। तो ये बहुत बहुत यूज़फुल है, बहुत अच्छा है। तो मेरा यहाँ पर स्टार्ट हो गई, GNOME सेटिंग अप्लाइड, मेरा गरुड़ा OS स्टार्ट हो गई। तो यहाँ पर देखिए, गरुड़ा लिनक्स रैप्टर आ गया, ए रोलिंग रिलीज, फास्ट फ्रेंडली एंड परफॉर्मेंस फोकस्ड OS। गरुड़ा इज़ लोडेड विथ बहुत सारे फीचर्स है। तो यहाँ पर देखिए, मैं ये पूरा फीचर्स दिखाऊंगी, पूरा जो भी है इसमें फीचर्स वो पूरा दिखाऊंगी। एक बार आप लोग भी डाउनलोड करिए। यहाँ पर सेटिंग्स ऑप्शन है, सेटिंग्स पे क्लिक करिए। सेटिंग पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं पूरा सेटिंग्स में, नेटवर्क, ब्लूटूथ, अपरेंस, नोटिफिकेशंस, सर्च, मल्टीटास्किंग, एप्लीकेशंस, प्राइवेसी, ऑनलाइन अकाउंट, शेयरिंग, साउंड, पावर। तो जो भी आप लोग सेलेक्ट करेंगे, राइट साइड पे आप लोगों को पूरा रिलेटेड कंटेंट आ जाएगी। तो डिस्प्ले, आप अगर आप लोग चेंज करना हो तो डिस्प्ले चेंज कर सकते, और बहुत सारे फीचर्स है। और यहाँ पर देख सकते, साउंड है, सेटिंग है, ब्लूटूथ है, परफॉर्मेंस है, नाइट लाइट है, डार्क मोड है, रूपलेन मोड है। तो आप लोग जो भी चाहिए वो पूरा सेटिंग्स आप लोग आपके हिसाब से लगा सकते। परफॉर्मेंस बैलेंस्ड और पावर ऑफ भी है, और डार्क मोड, नाइट मोड भी, पूरा डिटेल्स अभी मैं जो बताई। यहाँ पर देखिए, आप लोग डू नॉट डिस्टर्ब मोड है, ऑन ऑफ जो करना है वो करिए। इवेंट्स कुछ हो तो लगा सकते, और क्लियर करना चाहते तो क्लियर भी कर सकते हैं। यहाँ पर फिलहाल तो मैं अभी इंस्टॉल करी, सो नोट नोटिफिकेशन था। यहाँ पर नीचे आप लोग देख सकते, बहुत सारे फीचर्स है, कौन सा भी फीचर आप लोग यूज़ कर सकते। तो यहाँ पर सेटिंग्स में भी देखिए आप लोग, कितना अच्छा, पूरा कितने अच्छे हैं। यहाँ पर रीइंस्टॉल ऑल पैकेजेस, और देखिए यहाँ पर टर्मिनल आ गया, यहाँ पर सिस्टम अपडेट, रिफ्रेश, कितने फीचर्स है, बहुत सारे, पूरा इजी फ्रेंडली, यूज़र फ्रेंडली है। मोबाइल में हम लोग जैसा एक्सेस करते हैं, सेम एक्सेस हम लोग इस पे कर सकते हैं। यहाँ पर पूरा गरुड़ा का डिटेल्स है, पूरा जो OS का डिटेल्स है वो पूरा देख सकते। फाइल्स अगर चाहिए तो फाइल्स देख सकते। यहाँ पर रिसेंट स्टार्टेड, होम, डॉक्यूमेंट, डाउनलोड्स, म्यूजिक, पिक्चर, वीडियो, ट्रैश, देखिए बहुत सारे फीचर्स है यहाँ पर। नो रिसेंट फाइल्स, आइकॉन साइज, अंडू स्टार्टिंग, कीबोर्ड शॉर्टकट्स, हिडन फाइल्स। यहाँ पर देखिए, प्रोसेस, रिसोर्स, फाइल सिस्टम। फाइल सिस्टम में आप लोग देख सकते क्या क्या फीचर्स है वो पूरा देख सकते। दो दो डिस्प्लेस है मेरा, डिस्प्लेस भी आप लोग जैसे चाहे वैसा लगा सकते। और यहाँ पर देखिए, गरुड़ा कैलकुलेटर है, कैलकुलेटर में आप लोग कैलकुलेशंस के लिए यूज़ कर सकते। और बहुत सारे, गरुड़ा गेमर है, देखिए यहाँ पर गरुड़ा गेमिंग के लिए,
गरुड़ा गेमर भी यूज़ कर सकते हैं, और एक्स जी एन ओ एम ई गरुड़ा सेटिंग्स से गरुड़ा सिस्टम है यहाँ पर, गरुड़ा वेलकम, जस्टर्स, जी स्मार्ट को, हार्डवेयर लोकेलिटी और हिस्टॉप, आइकॉन ब्राउज़र इंस्टॉल, गरुड़ा लिनक्स, और यहाँ पर वाईफाई हॉटस्पॉट है। आप लोग पूरे सेटिंग्स देखिए कितना इजी है ये सेटिंग्स पूरा, आप लोग जो चाहिए वो सेटिंग्स आप लोग के हिसाब से रख सकते, लैंडस्केप रख सकते, पोर्ट्रेट रख सकते, ब्लूटूथ है, एप्लीकेशंस है, कीबोर्ड है, प्रिंटर, रिमूवेबल मीडिया, कलर, लैंग्वेज, रीजन, यूज़र, डिफ़ॉल्ट एप्लीकेशन, डेट, टाइम, अबाउट पूरा है। पासवर्ड लगाना चाहते तो पासवर्ड भी लगा सकते, ऑटोमेटिक लॉगिन है, माउस डिस्प्ले से पावर है, बैलेंस्ड और ऑटोमेटिक पावर सेवर है, जो चाहे वो पूरा यहाँ पर है, आप लोग पूरा देख सकते इजीली पूरा। यहाँ पर चेंज बैकग्राउंड है, डिस्प्ले सेटिंग है, बैकग्राउंड अगर चेंज करना हो तो बहुत सारे है उसमें, बैकग्राउंड में आप लोग जो भी चाहिए वो सेलेक्ट कर सकते। देखिए कितने फीचर्स हैं, कितने अच्छे अच्छे हैं बैकग्राउंड के लिए, मैं अभी वो सेलेक्ट करके दिखाऊंगी। देखिए मैं सेलेक्ट करें कितना अच्छा दिख रहा, अपरेंसेस और कितना अच्छा दिख रहा गरुड़ा। तो वो इस तरीके से आप लोग हमारा इंडियन ओएस को डाउनलोड करके वो पूरा फीचर्स देख के आप लोग ये ओएस को भी एंजॉय कर सकते बहुत इजीली। हम लोग ज़्यादातर हम लोगों को कितना टाइम लगा, 45 मिनट्स, मिनिमम 45 मिनट्स के अंदर ही हो गया। एक्चुअली बहुत टाइम लेगा ओएस, अगर हम लोग कुछ डाउनलोड करें तो बहुत सारा टाइम लगेगा, पर यहाँ पर देख लो आप लोग कितना इजी वे में करी अभी, जस्ट विदिन 45 मिनट, उससे अंदर ही मैं करी। तो होप अगर वीडियो अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माई चैनल।